हाँ तो भैया, क्या हाल है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग जोरों शोरों से जारी है और कल एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई शकीबुल हसन और इफ्तिखार चाचा के दरमियान। इफ्तिखार चाचा ने जो है वो फास्टेस्ट 100 अपने कैरियर की T20 की मार दी है पहली, और 45 बॉल्स पे उन्होंने 9 छक्के मारे हैं और आई गेस इतने ही चौके मार, फास्टेस्ट 100 करी है T20 कैरियर की। बहुत बड़ी बात है इस उम्र में जो है वो इतने जबरदस्त शॉट्स खेल रहे हैं, छक्के मार रहे हैं और इतने क्लीन हिटिंग है और बहुत पावरफुल बैट्समैन और बेस उनका स्ट्रॉन्ग, सीधे बैट से खेलने वाले, बहुत जबरदस्त शॉट्स खेले, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। बड़ी पार्टनरशिप, फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप 192 रन की दोनों ने की है और शकीबुल हसन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और शुक्र है एम्पायर्स पे गुस्सा करने के बजाय मैं दूसरे एंड पे इफ्तिखार चाचा के लिए भी जो है वो क्लैपिंग करी, इतने जबरदस्त उन्होंने क्लीन हिटिंग करी, मजा आ गया मैच देखने में। और पाकिस्तान वुमेन टीम अंडर 19 का जो है वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे क्या जबरदस्त कैच लिया है रूबा, एक लड़की है उसने, और फुल डाइविंग कैच और अनबिलीवेबल कैच खड़ा है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मेंस टीम को भी उनसे कोचिंग लेनी चाहिए, उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि भाई देखो ऐसे कैचेस भी पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान की जो सीनियर वुमेन टीम है उनको भी के अंडर 19 की बच्चियां जो हैं वो फुल अपना हार्ट एंड सोल लगा रही हैं कैच को पकड़ने में, और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही कल जिम्बाब्वे को हराया उन्होंने, प्यारी समझ गई और 10 विकेटों से हराया और बड़ी शिकस्त दी है और आगे भी पहुंच गए हैं सुपर 6 राउंड में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान वुमेन टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। और एक और परफॉर्मेंस, आजम खान ने जो है 100 रन स्कोर किए हैं BPL में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, और उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है अपनी जिसमें वो उन्होंने डिफरेंट उनके ऊपर जो लोग कमेंट्स करते हैं कि आलू है, मोटा है, पर्ची है और ये सारी चीज़ें, उन्होंने उसको ओवरकम करके और अपने परफॉर्मेंसेस से जो लोगों को जवाब देना शुरू किया है वो बहुत अच्छा है और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और मेरे ख्याल में आप जो है इस चीज़ को आप इसी तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि अपने बैट से आप जवाब दें लोगों को, लेकिन जो बात सच है वो सच है। पाकिस्तान में अगर लोग 22 करोड़ 25 करोड़ में से 14 करोड़ लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सब तो टीम में नहीं आ सकते, तो वही पहुंच पाते हैं जाहिर सी बात है जिनकी जो है वो कोई रेफरेंसेस हों, जिसका जो है वो कोई पर्ची हो। तो मानो या ना मानो भाई, कहीं ना कहीं आपकी आपके वाले साहब की इन्वॉल्वमेंट तो है और आप को सिलेक्शन की वजह जो है वो एक्स क्रिकेटर आपके वाले साहब का होना भी है शामिल। तो बाकी परफॉर्मेंसेस अच्छी है, अच्छा हार्डवर्क करते रहो, और टीम में फिटनेस के ऊपर भी उन्होंने कोई बात की कि आठ सौ के स्कोर करने वाला अगर फिट नहीं है तो मैं उसको रखूंगा, जो फिट है वो 400 स्कोर कर रहा है, तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई फिटनेस मैटर करती है क्रिकेट में नहीं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर गुजरे हैं जो अनफिट, जिनको जो दिखने में लगते थे लेकिन वो अच्छा खेलते थे, तो आप अच्छा खेल रहे हो, आप अपने बैट से जवाब दो, मजबूरी बन जाओ, आप टीम में आओगे फिर तो आपको जरूर शामिल करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? और पाकिस्तान के लिए जो है वो फॉरेन कोच की तलाश जारी है, स्वागत तो करो हमारा, कुछ कोचेज ने मना भी कर दिया जिसमें से एक जो है वकार यूनुस है, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो इससे बाहर हूँ कि मुझे आप दोबारा सेलेक्ट। शुएब अख्तर का भी एक नाम चल रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है शुएब अख्तर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, तो मे बी PCB उनको शामिल ना करे इस वक्त जो है वो। PCB को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जरूर चाहिए, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं और जो क्रिकेट के हालात हैं, पाकिस्तान को आगे वर्ल्ड कप खेलना है और रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं, के लिए बहुत जबरदस्त कोच की जरूरत है, इंटरनेशनल कोच की तलाश जारी है। मिसबा उलग ने उस हवाले से कमेंट किया है कि भाई इंटरनेशनल फॉरनर कोच ही हमें क्यों समझ में आते हैं, हमें लोकल कोच क्यों नहीं समझ में आते। भाई मसला ये है कि लोकल कोच अगर फिटनेस के बारे में बात करेगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठा देंगे, इंटरनेशनल कोच अगर फिटनेस के हवाले से बात करेगा तो कहेंगे हाँ यार के ये सही बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है ना, तो इसलिए हमें सही सही लग रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। वाह क्या सीन है। और आधे से ज़्यादा जो टीम है उसकी तो समझ में नहीं आती इंग्लिश, तो वो जो इंग्लिश में समझाता है तो सब सर हिलाते रहते हैं, कहते हैं थैंक यू वेरी मच और यू आर राइट, आर यू कॉमेडी मी, इतना तो हमारी टीम को आता है। लोकल कोच जो है वही बात अच्छे तरीके से समझाएगा तो समझ में नहीं आया, तो हम लोग ज़्यादा हम पसंद करते हैं गोरे लोगों को, और गोरा आके हमें जो है वो हमसे ज़्यादा लूट के भी हमें चले जाएगा।
बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। डॉलर्स भी ज्यादा लेगा, लेकिन ये है कि उसकी हमारी समझ में आ जाती है, हमें समझ में आ जाती है, हमें पाकिस्तानी हमें अच्छे नहीं लगते, हम वी डोंट लाइक पाकिस्तानी, यू नो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। सुना है शुभमन गिल ने जो है वो 200 रन स्कोर कर दिए 208 रन की इनिंग खेली 145 बॉल्स पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और कंसेक्यूटिव छक्के मार के उन्होंने 200 रन अपने कंप्लीट किए और वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन में शामिल हो गए जिन्होंने 200 किए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुना है उस एक इनिंग के ऊपर शुभमन गिल को जो है वो बाबर आजम से कंपेयर किया जा रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई बाबर आजम की टेक्निक और बाबर आजम का गेम डिफरेंट है, कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनता। अब इस तरह की सोच रखने वालों को भी सलाम है भाई, अभी तो वो स्टार्ट कर रहा है करियर, अभी उसको बहुत खेलना है और होपफुली दुआ करते हैं कि वो आगे जाए और बेहतर गेम खेले और बेहतर परफॉर्मेंसेस दे इंडिया के लिए। लेकिन अभी से पहली इनिंग में ही आप ये बात बिल्कुल सही है कि स्कोर उसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, लेकिन उसमें आप ये जज नहीं कर सकते कि वो जो है वो बाबर आजम से अच्छा बैट्समैन है। टेक्निकली ही इज स्ट्रॉन्ग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शॉट्स अच्छे थे, बहुत अच्छे शॉट्स खेले और प्रॉपर बैटिंग, प्रॉपर क्लीन हिटिंग करी उसने, लेकिन कंपैरिजन जो है वो बिल्कुल नहीं बनता। और इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का मुझे समझ नहीं आता कि कंपैरिजन क्यों करते रहते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।